नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं का गणित पार्ट नंबर जो है कि 4 है। इसमें आज हम आपको 1.6 में 3 प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 1.6 है और एक नंबर सवाल में आपको एनसीईआरटी बुक में जो सरकारी स्कूल में चलता है उसमें सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम डॉक्टर केसी सिन्हा का भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये आप जान गए कि एनसीईआरटी बुक का 1.6 का गणित है और दिया गया है ज्ञात कीजिए। एक नंबर, दो नंबर में दिया गया है ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर सवाल देखिए, 1, 2, 3 सवाल है और दो नंबर में 1, 2, 3, 4 सवाल है। सेम टू सेम मिलेगा आपको 1.6 में एनसीईआरटी बुक में। तो तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों इसके बाद बना करके बनाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो हमको सवाल दिया गया है, यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, 64 पे पावर 1/2। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दीजिए या हल लिख दीजिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी 8 × 8 पे पावर कितना, 1/2। फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 8 देखिए ये गुना में है ना, आपको एक सूत्र पता होगा, यानी कि a पे पावर m बराबर क्या होता है, a पे पावर n + m जुड़ जाता है, यानी कि जितना भी एक जैसा रहेगा और उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है गुना में। तो यहाँ पे उसी तरह से ये क्या आ जाएगा, इस पे पावर 1 यानी कि जुड़ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इस पे 2 हो जाएगा। और वैसे भी आप 8 का स्क्वायर 64 होता है, डायरेक्ट भी बना सकते थे। अब 1/2 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना में एक सूत्र आपको ऐसा मिला होगा, याद किए होंगे इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे लिखता है, n × m। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो 8 पे है तो इसको गुना में लिखेंगे, यानी कि इस तरह से 2 × 1/2। तो आप इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कटा सकते हैं या तो आप ऐसे लिखिए 2/2। तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ आपका 8 है। 8 क्या जाएगा, आपका आंसर आ गया एक नंबर सवाल का। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल बना रहे हैं, दूसरा नंबर सवाल में है 32 पे पावर 1/5। तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए हल या सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 को आप क्या करिए, 2 में तोड़ दीजिए, यानी कि इसको आप तोड़िएगा, जैसे देखिए 16 × 2 क्या होता है 32, ठीक है, इसके पावर 1/5 दे दीजिए। उसके बाद 16 को हम कितना बार में लिख सकते हैं, 16 को भी 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 16 लिख दिया, एक तो ई था, इसको भी गुना में लिख देंगे। तो जैसा कि सबका पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, इस पे पावर इसको लिख दीजिए 1/5। तो आप इसको क्या करिए, 2 पे पावर 5 लिखेंगे और 1/5 लिख देंगे, ठीक। अब इसको भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/5। तो ये इसको गुणा करिए, यानी कोना कोने में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका 2, यानी कि 2 पे पावर 1, नहीं कुछ तो 1 पावर रहता है। तो आपका यही आंसर आ गया। चलिए अब आपका बताते हैं हम 3 नंबर। तो ये एक नंबर सवाल था, एक नंबर सवाल बनने वाला है, एक बचा है जिसको कि हम बता रहे हैं। एक नंबर सवाल, 9 पे पावर कितना दिया है, 3/2, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 3 और 3/2 ये पावर है। अब देखिए 3 × 3 = 9 हो गया, लेकिन दोनों आए तो इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि 2 को है तो 2 को लिखेंगे, क्योंकि एक इसका जुड़ जाएगा, इसको ऊपर लिख लीजिए आप 3/2, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे 3 पे पावर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन और ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ या का चिन्ह लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 × 3/2, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 3 पे पावर 3। अब 3 पे पावर 3 गुना कर दीजिए, अब कुछ नहीं तो 3 × 3 = 9, 9 × फिर 3 करिएगा तो 9 × 3 = 27, आपका आंसर आ जाएगा 27, आंसर 27। तो ये एक नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पर, तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहां से देखेंगे, चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, इसे भी ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए ये वाला बन गया, तो एक नंबर उतार रहे हैं सवाल यहाँ से। एक नंबर सवाल है 9 पे पावर 3 बटे
दो, इसे भी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम इसको जैसे अभी तुरंत जस्ट लिखे हैं और अच्छा इसी सवाल को उतार लिए थे वहां पे। अच्छा रुकिए, चलिए दोस्तों आप थोड़ा को यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यानी कि ये सवाल दो नंबर को उतार देते ये वाला छूट गया था। तो देखिए यहाँ पे ये एक नंबर का तीन नंबर प्रश्न छूट गया था, इसको बना रहे हैं क्योंकि उस समय हम ये दो नंबर का बना दिए थे, ध्यान रखिएगा उस समय हम दो नंबर का एक नंबर बना दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे बनेगा तीन नंबर ही बनाएंगे ये जो कि छूट गया था। तो कितना है 125, इस पे पावर है 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 25 पंचे सवास होता है, यानी कि हम 25 गुना क्या लिखेंगे 5, इस पे पावर कर देंगे 1/3, ठीक। अब देखिए 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 × 5 × 5 इस पे पावर कर देंगे 1/3। अब देखिए 3 को हो गया तो 5 पे पावर 3 और उसके ऊपर 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 पे पावर 3 गुना 1/3, तो ये 3 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा, जो कि प्रश्न ये छूट गया था, फिर से इसको बना दिए 5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा दिखाई जो नहीं देता है तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। और उसे बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे कि दूसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे, ये आपका एक नंबर का ही प्रश्न जो छूट गया था मिस्टेक से बना दिए थे दो नंबर वाला। अब देखिए यहाँ पे इधर का एक नंबर हो गया, अब हम लोग बनाएंगे दो नंबर से। चलिए इसको फिर से बता दे, क्या पहले बना चुके हैं तो इसको बता देते हैं। चलिए तो दो नंबर, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं तो बताने का, तो अभी चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। तो 32 पे पावर कितना है आपका 5/2, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिए, और 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 × 32 होता है, तो यहाँ पे 16 × 2, ठीक। अब 16 × 2 हो गया, इसके पावर कितना है 2/5 है, ठीक। तो हम इसको देखिए जस्ट अभी बनाए थे एक नंबर में, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, 16 को हम तोड़ सकते हैं और ना, तो तोड़िए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये 16 लिख दिया और ये गुना में थे, इसको भी गुना में लिख दिए, घेर दीजिए यहाँ पे और पावर दे दीजिए 2/5। अब देखिए इसमें कितना क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 सब जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक। और इसके पावर कितना हो जाएगा 2/5। अब इसको जब तोड़िएगा तो 2 पे पावर 5 × 2/5, ये 5 कट जाएगा, 2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आपका आंसर ये सही है। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे। दूसरा हो गया, पहला पहले बता दिए थे पहले नंबर में, अब ये वाला हो गया, इसको बताएंगे ऐसे करने के बाद चिन्ह याद रहेगा। तो देखिए 16 पे पावर है 3/4, ये आपका है तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए देखिए अब तो इसको हम बढ़िया से लिखते हैं, 16 पे पावर है 3/4, ठीक। तो देखिए इसको अब कैसे लिखा जाएगा, हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 हो गया, इस पे 3/4 पावर है। अब जब 4 है तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और इस पे 3/4 है, तब क्या करेंगे 2 पे पावर गुना हो जाएगा जैसा सभी बना रहे हैं, तो 4 × 3/4, ये 4 कट गया, तो 2 पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 8 का Q हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न बन गया। अब बच गया आपका चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। तो तीन नंबर हो गया, अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कितना है, 125 पर -1/3 है, ठीक। तो देखिए आप जिसका कि सूत्र होता है a^-1/a^n होता है, तो सेम ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 1/125 पे पावर 1/3 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि 125 यानी कि 5 का Q होता है, तो हम क्या करेंगे 1/5 × 5 × 5 पे पावर 1/3 कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे
एक बटे पांच पे पावर तीन और इसके पावर होल पावर एक बटे तीन, तो इधर बना देते हैं इसको, तो एक बटे पांच पे पावर तीन गुना एक बटे तीन, तो ये आपका और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक बटे पांच, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आपका एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, बन गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ आप हमेशा लिखिएगा हल करें या सल्यूशन, इस तरह दीजिएगा, इस तरह दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सवाल को समझ गए होंगे अच्छे से। अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, तो तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, लिख रहे हैं तो अब हम एनसीईआरटी बुक का 1.6 का तीन नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए सरल कीजिए, प्रश्न दिया गया एक नंबर, दो पे पावर दो बटे तीन इंटू दो पे पावर एक बटे पांच, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सेम टू सेम आपके बुक में मिलेगा। तो चलिए एक नंबर सवाल को बना रहे हैं। एक नंबर प्रश्न में दिया गया है दो बटे तीन इंटू, यानी गुना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो पे पावर एक बटे पांच। देखिए आपको एक सूत्र याद होगा, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एम, तो क्या होता है ये दोनों मिल रहा है, ऊपर का नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं एन प्लस एन जोड़ देते हैं। तो सेम यहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए दो पे पावर लिखे, यहां पे आप सॉल्यूशन लिख लीजिए या हल लिखिए। देखिए अब यहां पे दो बटे तीन प्लस एक बटे पांच, ठीक, तो दो यहां पे लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा पंद्रह, ठीक, तीन बार में कट रहा है, पांच तीन से भाग दीजिएगा, क्या बार भाग लेगा, पांच तीन पंद्रह तो दस हो जाएगा, इधर तीन बार में कटेगा प्लस है तीन बार में, तो तीन एक तीन, तो दो पे पावर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि दो पे पावर हो जाएगा तेरह बटे पंद्रह, तेरह बटे पंद्रह हो जाएगा आपका आंसर सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका दो नंबर, एक बटे तीन पे पावर तीन, ठीक, इस पे होल पे पावर सात है। ऐसे लिखने के बाद हम एक पे पावर कुछ भी रख सकते हैं। देखिए जैसे पे हम यहाँ पे तीन रख दिए, इसको कैसे लिखेंगे, एक गुना एक, तीन को लिख दिया बराबर एक होगा, एक गुना एक गुना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे पूरे पे तीन कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बटे तीन पे पावर तीन, और ये पहले से गुना में तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक बटे तीन, और इसके पूरे पावर सत्य इक्कीस हो जाएगा। तो इसे आप क्या करिए, एक पे पावर कितनों आप रख करके उसको गुणा करिएगा तो एक के मन होगा, तो इसलिए ये एक ही हो जाएगा, और इस पे पावर आप 21 कर दीजिए नीचे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला पे आप लिख दीजिए 3 पे 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है तीसरा नंबर, 11 पे पावर एक बटे दो बटे में 11 पे पावर एक बटे चार, ठीक है, इस पे भी आप 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है होगा आपका आंसर। तो देखिए यहां पे आप क्या करिएगा, एक सूत्र याद होगा आपको, ए पे पावर एन भागा ए पे पावर एम बड़ा, बट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए पे पावर एन बटे, सॉरी ए पे पावर एम बटे एन, इसको एन मान लीजिए, ये एन है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए पे पावर एम माइनस एन, यानी कि घट जाता है पावर, तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 11 पे पावर एक बटे दो ऊपर में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा एक बटे चार, तो 11 पे इसका एलसीएम लीजिए चार आ जाएगा, दो दोनों चार तो दो हो जाएगा, इधर चार एक चार एक हो जाएगा, तो 11 पावर पावर कितना हो गया, एक बटे चार, एक बटे चार, तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल का एक पहले आपको सूत्र याद दिला देते हैं। देखिए ए पे पावर एन गुना बी पे पावर एन, दोनों एन एन है, ऊपर जब समान रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, ए बी पे पावर एन, जब ऊपर समान रहता है
तो नीचे एक को गुना करके एक के पावर कर देते हैं। तो जब हमको देखिए ऊपर में पावर है एक बटे दो, एक बटे दो, तो ऐसे लिख सकते हैं सात गुना आठ पे पावर एक बटे दो, आठ सत्ती छप्पन, छप्पन पे पावर एक बटे दो, तो आपका यही आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों आज ये एनसीईआरटी बुक का 1.6 खत्म हो चुका, अब हम अगले बहुपद को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।